से बहुत कुछ सीखना है। टी क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको आर एस एस का सवाल पूछा कि नैरेटिव होते हैं यूथ में एक और नैरेटिव यह है कि जब रोड बन रहे होते हैं तो उसमें बहुत करप्शन इन्वॉल्व होती है ये सच है पुराने सिस्टम्स की वजह से देखिए मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ तुमको एक भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कि गडकरी के पास जाके पैसे देने पड़े फिर काम मिला मुझे केवल चुपचाप भी बता देना तो तुम बोलोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो पर मैं ये दावा नहीं मान सकता कि सब लोग ऐसे हैं प्रॉब्लम सर रहते हैं ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह पर हैं उसके जड़ तक कैसे पहुँचे सर देखिए हमने डिजिटल सिस्टम की है हमारे कोई भी टेंडर मैनेज नहीं होता मैं आपके मुँह पर ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ई टेंडर होता है टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन हमने फ्रेम किए हैं हमारे यहाँ ऐसा कोई मंत्री तय करे कि इसको काम नहीं दे सकता तो जितनी सिस्टम को टेक्निकली स्ट्रांग बनाएंगे जितना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे डिजिटल सिस्टम करेंगे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे धीरे धीरे करप्शन ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बात एक बात होती है अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं जब गलत काम करें तो ठोको ही करनी चाहिए मैं कभी गाली गलूज भी करता हूँ लोग मुझे बोलते तुम क्यों बोलते हो मैंने बो, बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्टर सही रास्ता नहीं कर उसको बुलडोज के नीचे डालूंगा hmm. तो मैं मतलब ज़्यादा एसेट ऑफ माई कंट्री ओके okay. लोगों को वो भी पसंद नहीं आता तो ऐसा है मैं बहुत क्लियर हूँ कि जनता का पैसा हम विश्वसता है ईमानदारी से काम होगा जो गलत काम करो उसकी ठुकवाई होगी अब मैंने हमारे यहाँ से जो सबसे स्ट्रिक्ट किसी की मैनेज नहीं था ऐसे व्यक्ति को बोला ये क्वालिटी का कंट्रोल इसको इंचार्ज बनाऊँ और सब कॉन्ट्रैक्टर को उसको कूदवाऊंगा सबकी तकलीफें और क्रिएट करूंगा साले खबरदार खराब काम किया था और काम खराब किया तो उखाड़ निकल लगा था <laughs> फिर भी बदल हो रहा है क्वालिटी अच्छी बन रही है पर कुछ समय प्रॉब्लम्स आते रहते हैं आपको नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है पर क्या आपको लगता है कि आपने इतनी सफलता भी देखी है आपके गवर्नेंस के करियर में लोग आपसे जलते हैं मैं देखते नहीं किसी के पास समझो कौन जलता है कौन नहीं जलता वो ट्रक के पीछे लिखता है ना लिखा रहता है ना वो क्या लिखता है जलने वाले जला करे किस्मत हमारे साथ है और कुछ तो भी लिखते जलने वाले का दिल काला कुछ तो भी लिखते हैं बुरी नज़र वाले क्या बुरी नज़र वाले बुरी नज़र वाले तेरा मुंह <laughs> का <laughs> बोलते हो चलते रहो जो अच्छा कहे उसका भी भला बुरा कहे उसका भी कहे ओके okay. चलते रहो अपना घरदार परिवार देखो आनंद से रहो और उसके बाद जो मिला वो गाँव गरीब मजदूर किसान समाज के लिए देश के लिए जो कर सकते करो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है जी मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे भी जाना है समय कम है वन डे क्रिकेट जैसा जितना कुछ कर सकता करना <laughs> करके जाऊँगा ताकि लोगों के जीवन में कहीं तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उनके जीवन में अगर मैं आनंद कर सकूँ जी तो मेरा मकसद सॉल्व होगा इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म आई एम वन ऑफ द स्मॉल पर्सन पर्सन स्मॉल हु इज डूइंग तो अच्छा एक मास बन जाएगा उसमें बुन डालने का काम मुझे मैं कर रहा हूँ okay. करते रहूंगा ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियो भी देखिए बहुत तगड़े वीडियो होते हैं टी आर एस Clips हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्ले देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त